चलो आज हम समझते हैं कि G18 शिखर सम्मेलन है क्या, ये कैसे शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था, पहले इसमें कितने देश थे और कैसे कैसे ऐड हुए थे, उन देशों के बारे में समझते हैं। तो 1970 में जो है एक तेल संकट और क्या हुआ था, आर्थिक संकट दो चीजें हुई थी 1970 में, एक है तेल संकट, दूसरा है आर्थिक संकट। तो उस समय क्या था, जो बड़े बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था सही है, जो कि टॉप लिस्टों में आती है अर्थव्यवस्था जिसकी सही थी, उस समय क्या हुआ, उसमें उन सब के पास कोई एक स्टेट नहीं था, कोई एक मंच नहीं था जिसपे वो एक, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे आके वो सब क्या कर सके, अपना बात कर सके। तो 1970 में ये तेल संकट जब आया तो कई देश एक साथ बैठ के अपना ये जो है सोच रहे थे कि हम सबको कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसपे हम सब क्या करें, आज के बात कर सकें। तो उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए तो कई देशों ने एक साथ ही गुट किया। तो एक स्टार्टिंग में हुआ था 1975 में, जो है 1975 में G6 शुरू हुआ था। G6 का मतलब है कि उसमें 6 देश ऐसे थे जो कि समझ चुके थे कि उनके पास तेल संकट और आर्थिक संकट फ्यूचर में फिर कभी हो सकता है, तो उन्होंने अपना ये G6 में पार्टिसिपेट हो गए थे। तो उन G6 के नामों के बारे में समझते हैं। पहला है हम सबका फ्रांस है, पहला कौन देश था, फ्रांस था। 1975 में ही ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से ही शुरू हुआ था। तो पहला हम सबका क्या हो जाएगा, G6 की बात करेगा तो पहला फ्रांस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। देखो पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा है इटली। अब देखो चौथा कौन सा नाम है, चौथा नाम है जापान। अब पांचवा कौन सा नाम है भैया, पांचवा नाम है ब्रिटेन। और छठा जो नाम है इसका अगला है अमेरिका। ये 6 देश ऐसे थे जो कि समझ चुके थे कि उनके पास तेल संकट और आर्थिक संकट फिर से आ सकता है। तो उन्होंने 1975 में क्या कर लिया था, G6 के साथ अपना एक मंच बना लिया, एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसपे आके वो सब जो है हर साल एक जो है शिखर सम्मेलन होता है जिसमें सभी कंट्रीज आके जो इसमें इन्वॉल्व है, G6 के साथ जो इन्वॉल्व है वो सभी क्या करती थी, एक प्लेटफॉर्म पे आके क्या करती हैं, आके यहाँ पे बात करती हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ। और ये याद रखेंगे जिस कंट्री में G6 या G18 या G7 अभी हम सब बात करेंगे, तो जिस कंट्री में ये शिखर सम्मेलन होता था वही कंट्री क्या करती थी, उसके खर्चे को कंट्रोल करती थी, उसी के खर्चे को कन्वे करती थी। कन्वे क्यों करती थी, क्योंकि उस मेंबर में ये था कि अगर आपके यहाँ ये शिखर सम्मेलन हो रहा है तो अगली बार दूसरे कंट्री में होगा, तो वहां पे जो भी कंट्रीज थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमारे यहाँ जो होगा हम उसका जो है क्या करेंगे, अपना जो है कन्विंस करेंगे। अगला देखो जब 1975 में ये G6 बन गया तो एक अगला फिर हम सबका एक बार और फिर जी हुआ था G1976 में G7 हुआ था। G7 में एक ऐसी कंट्री और इन्वॉल्व हो गई थी जिसको अगली बार फिर पता था कि कुछ ना कुछ होगा तो हमारे साथ कौन होगा उस प्लेटफॉर्म पे, तो उस कंट्री में ऐड हो गया था, एक और नाम आ गया था, एक था कनाडा इसमें ऐड हो गया। तो हम सब 7 नाम हो गया टोटल, इधर 6 है और इसको इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6+1 मींस 7 मींस अब जी शिखर सम्मेलन जो हो रहा था उस समय कौन सा था, वो G7 था। तो हम सब बात कर रहे हैं 1976 में G7 हुआ था। तो याद रखेंगे कि कभी आप पूछते बताओ जी शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ था, जी शिखर सम्मेलन हमेशा आंसर में जो भी आएगा वो होगा 1975 में G6 जो भी फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले फ्रांस कंट्री ने ही अपने यहां जी शिखर सम्मेलन स्टार्ट करवाया था। तो उसके बाद 1976 के बाद G18 मींस 1978 में एक अलग से कंट्री इन्वॉल्व हो गई, उस कंट्री का नाम समझते हैं। यहां पे एक और कंट्री इन्वॉल्व हो गई, उसी कंट्री को हम सब समझते हैं,
उस कंट्री का नाम क्या था हम सबका, रूस था। तो रूस भी इसमें आ गया। पहले का मतलब देखो यहां इस G18 में कहीं भारत का नाम जिक्र नहीं है, तो आने वाले फ्यूचर में कभी भी तेल संकट अगर आएगा तो अलग सा उसका एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे क्या है, तेल संकट और आर्थिक संकट अगर इन देशों में आता है तो ये आपस में शिखर सम्मेलन करके अपने आपके जो खर्चे आ रहे हैं या जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है आपस में देखते हैं। तो यहां समझेंगे। अब देखो यहाँ पे 7 देश इन्वॉल्व हो चुका, 8वां देश कौन आ गया, 8 जो है रूस आ गया। तो देखो क्वेश्चन पूछता, बताओ सबसे पहले कितने देश थे शिखर सम्मेलन में, तो याद रखेंगे सबसे पहले 6 देश थे। उसके बाद पूछता है बताओ कब जो है कनाडा कब ऐड हुआ था जी शिखर सम्मेलन में, तो याद रखेंगे 1976 में। और पूछता है रूस कौन जो है किस सन में जो है जी शिखर में ऐड हुआ था, 1978 में। इस तरीके से हमने जी शिखर सम्मेलन को समाप्त किया है। अगर आपको मेरा कोई वीडियो पसंद भी आता है या कोई भी आपको कमेंट बताना है मेरे सुझाव के लिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम सब देंगे।